राजधानी दिल्ली में भले ही कोरोना को लेकर रिकवरी रेट बेहतर हो रहा हो, लेकिन कोरोना के नए मामले रोज सामने आ रहे हैं और मौत के आंकड़ों पर भी अभी पूर्ण विराम नहीं लगा है। और इसलिए अब दिल्ली सरकार ने कोरोना के सर्विलांस और रिस्पांस को और मजबूत करने के लिए रिवाइज्ड कोविड रिस्पांस प्लान जारी किया है। प्लान में स्पेशल सर्विलांस ग्रुप के तहत ड्राइवर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन आदि जरूरी सामान की डिलीवरी वाले लोगों की स्क्रीनिंग और सर्विलांस से जुड़े निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही आइसोलेटेड मामले वाले इलाकों और हाई रिस्क ग्रुप के सर्विलांस के आदेश जारी किए गए हैं। प्लान के मुताबिक अलग अलग श्रेणी के लिए SOP जारी की गई है। डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस यूनिट ऐसे सभी इलाकों की विस्तृत जानकारी इकट्ठा करेगी जहां आइसोलेटेड मामले सामने आ रहे हैं, और इसके लिए डेली क्लस्टर रिपोर्ट, लाइन लिस्ट और ज्योग्राफिकल मैपिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रभावित इलाकों में सख्त सर्विलांस के लिए इन घटकों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि ज्यादा और प्रभावित कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, जिसे 72 घंटे में पूरा किया जाए, कोरोना ऐप के जरिए SARI या ILI केस का हाउस टू हाउस सर्वे, पिछले 15 दिनों में पॉजिटिव मामलों के संपर्क में आने वाले सभी प्राइमरी कॉन्टैक्ट का सख्त क्वारंटीन, हाई रिस्क ग्रुप यानी 60 साल से अधिक आयु वर्ग और गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोग आदि। वही स्पेशल सर्विलांस ग्रुप में इन लोगों को रखा गया है, जैसे कि रिक्शा, ऑटो, टैक्सी वाले, मेड और डेली वर्कर जैसे प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, मैकेनिक आदि, खाना और जरूरी सामान जैसे ग्रोसरी, किराना, पार्सल और पोस्ट सप्लाई करने वाले लोग। सभी जिलों में जहां भी संभव हो स्पेशल सर्विलांस ग्रुप की स्क्रीनिंग शुरू करने की कोशिश करनी होगी। जिन जगहों पर स्पेशल सर्विलांस ग्रुप ज्यादा इकट्ठा होते हैं, ऐसे पॉइंट्स को कवर करना अनिवार्य होगा। अगर कोई भी केस पाया जाता है तो उसे स्टैंडर्ड हेल्थ प्रोटोकॉल के अनुसार डील किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।